यहां तक तो हो गया, आगे क्या होगा? देखते जाओ होता क्या है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। वैसे तुम इतना डरते क्यों हो? मैं डरता बरता नहीं हूं मैं। तो उस दिन बाबा साहब को देखिए किसकी जान निकल गई थी, और कौन बिल्ली की तरह दुबक गया था, और कौन बकरी की तरह मैं करता हुआ मरी चला गया था। जुगनू, मैं बाबा साहब के सामने बस ज़बान नहीं खोलता ज़्यादा। जब इतने कमजोर और डरपोक थे तो मेरी जिंदगी खराब क्यों की? तब तो बड़ा आशिक बने फिर रहे थे। वो उस वक्त की बात थी। और अब क्या मैं अच्छी नहीं लगती, या कोई और पसंद आ गई, या फिर कोई और मसला हो गया है? नहीं नहीं जुगनू, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा की कसम ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसा। अरे ये चाकू है। ज़ुल्फ़ी साहब, अगर तुमने रास्ता बदलने की कोशिश की तो तुम्हें मार के खुद की भी जान ले लूंगा। हाँ नहीं, मैं समझ गया, इसको रख दो, लग जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है ये चाकू है और ये लग जाएगा, और मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। जो दिल चाहा तो खेल लिया, और दिल भर गया तो फेंक दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, इसको रख दो। नीम की बारी में तो मेरी खुद की गलती थी, उसको पहले दिन ही सीधा करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो मैं ऐसा ठीक करूंगी ना कि। अरे मैं हूँ ही सीधा, इसको तो रखो। मेरी बात सुनो, समझना कि किसी से डर के मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो भूल जाओ, चुपचाप वही करो जो मैं कह रही हूं। हाँ वही तो करता हूं, इसको तो रखो। मारे गए बख्शी जी। तो प्लान ये है कि कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो रही हूं, वो भी पैसों समेत। क्यों? ये क्यों क्यों मुझसे मत पूछो। हाँ कुछ देर में खुद ही पता चल जाएगा। फिर भी क्यों? ओके सुन लो, बाबा साहब को ये कहना है कि तुम यहां आए किस लिए? पढ़ाई के लिए। किसके लिए? पढ़ाई। और बाकी सब कुछ किस लिए किया? पढ़ाई। पढ़ाई और बाकी बची मैं, तो मैं तो हुई लापता। तो फिर दे ताली, दे ताली। ले ले ले। प्लान वैसे बहुत अच्छा है, नॉट बैड। वैसे इतनी अच्छी दो नंबरी तुमने सीखी कहां से? नहीं, सीखी कहां सीखी? मैंने सीखी। हाँ गुड बॉय। जी हेलो बड़े साहब। जी जी वापस आ जाएं। जी जल्दी आ जाएं। जी वो चुड़ैल फिर वापस आ गई। जी वो जुगनू। जुगनू सलाम खाला। तुम कहां से मुंह उठाए चली आ रही हो? मैं मरी से। हाय मेरी जुगनू, हाय मेरी जुगनू, मेरी बच्ची। अरे अम्मा इतनी खुश क्यों हो रही हो? कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आ रही हूँ मैं? कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मेरी तो आगे तरस गई थी। हैं बोल कहाँ चली गई थी? बताया तो था ससुराल जा रही हूँ। और ससुराल मरी में था? हाँ मरी में भी है भाई। इतना शानदार कॉटेज है कि कोई जवाब ही नहीं। हाय अल्लाह का शुक्र है। कहाँ है वो चुड़ैल? मैं नहीं जानता बाबा साहब, मैंने तो उसको उस दिन के बाद से देखा ही नहीं।
रोजाला के कड़े कहाँ हैं? बेचती है। What? तुम्हारी माँ, your late mother, may she rest in peace, तुमने उसकी आखिरी निशानी बेच दी। अम्मी की निशानी तो मैं भी हूँ, मुझे जरूरत थी इसलिए बेचती है। ये तुम नहीं बोल रहे, ये उस लड़की की जबान बोल रही है। तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते। कहाँ है वो? Where is she? यहाँ नहीं है बाबा साहब। आप बख्शी जी से पूछ लें। क्यों बख्शी जी? बख्शी भरोस है ना, वो तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह रहा था। अम्मा वो मुलाजिम है, उसकी बातों में नहीं आना है। ससुर खुश है अब? भाई मैंने तो जुल्फी से शादी की, पर जुल्फी खुश है, ससुराल को खुश रखने की ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा तो बख्शी जी ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारे ससुर जूता लिए तुम्हें ढूंढते फिर रहे, उन्हीं से बच के आई हो ना यहाँ। मैं खुद उन्हें ढूंढ रही हूँ, और जहाँ तक यहाँ आने का सवाल है, मैं तो अम्मा से मिलने आई हूँ और अपना अकाउंट खुलवाने आई हूँ। अकाउंट? हाँ हाँ खाला जांगी, ज्वाइंट अकाउंट मेरा और अम्मा का। अम्मा जितने मर्जी चाहे हर महीने पैसे निकलवा सकती है। और हाँ खाला जांगी, अम्मा को ना नौकरानी रखवा देना। अरे दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? अरे ससुराल के पैसों से अम्मा को नौकर रखवा के देगी? अरे दुनिया क्या कहेगी, थू थू करेगी। तब दुनिया ने थू थू क्यों नहीं की जब मेरे पहले शौहर ने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया और मुझे तलाक दे दी? हाँ भाई बीबी, वो चांद तो तुमने अपनी मर्जी से चढ़ाया था। तो वो भी मेरी मर्जी थी और ये भी मेरी मर्जी है। बस बीबी बस, तुम्हारे मुंह कौन लगे? अरे तुम्हारी तो कमार पने में गज भर की जबान थी, और अब तो खैर से दो दो खसम कर चुकी हो। कौन कह रहे हैं मुंह लगे? खाला किशो नहीं आए पिट के? मुझे ज्वेलर का पता बताओ, कड़े मैं खुद मंगवाता हूं। बिल्कुल बता दूंगा बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब प्लीज मुझे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करने दें। आप यकीन जाने मैंने सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। और बख्शी जी को गलत फहमी हुई कि उन्होंने समझा कि जुगनू यहाँ मेरे साथ है, हालांकि वो तो ओके ओके, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, पैसे भी रखो, मैं चक्कर लगाता रहूंगा। बाबा साहब। Come on, boy. किशो बस्ता भर के पैसों का लेकर लौटी है कमबख्त। मैं तो सोचती हूँ कहीं मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना ले आए, अल्लाह के वास्ते इस बला से मेरी जान छोड़ा। भाई मेरी बात मानो तो साफ कह दो आपा शाहजहां से। अरे कह तो दू लेकिन निगोड़ी अकेली है, जाएगी कहाँ? इस चंडालनी ने तो रात भर ना रखा माँ को अपने घर में। बस चुप करके फिर तमाशा देखो, जब धरी जाए तो वावेला करना। कौन कर रहा है वावेला? सलाम खाला किशो, कैसी हो? भाई हम तो अपने मियां के मिजाज को देख के चलते हैं, जैसे उनके तेवर वैसे ही हमारा मिजाज। क्यों आपा जहांगीर, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
मगर कुछ लोग तो हाँ हाँ कह दो ना कि मुझसे बड़ा ढीठ तो कोई है ही नहीं। तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तो क्यों लग रही हो, किसने कहा है? मैं तो सिर्फ खाला जहांगीर को ये बताने आई हूँ कि खैर से बैंक अकाउंट खुलवा लिया मैंने। हैं 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 लड़की, ये क्या हरकत की तूने? हाय ससुराल का पैसा अपने अकाउंट में जमा करा डाला, कल को उन्होंने चोरी का पर्चा कटवा दिया तो? अरे तुम लोग ही तो बचपन से कहते आए हो कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है कि नहीं है खाला जहांगीर? आई हाँ है तो यूं ही। तो फिर बस उसका पैसा हो या मेरा क्या फर्क पड़ता है, कोई चोरी थोड़ी ना की है मैंने। Look my boy, हम जैसी बड़ी फैमिलीज के लोग जवानी में दिल बहलाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, तुमने भी कर डाली। You made a mistake, now move on, आगे बढ़ो, जान छुड़ाओ उससे। छुड़ा ली बाबा साहब, बिल्कुल जान छुड़ा ली। गुड। तुम्हारी मंगेतर गजाला बहुत अच्छी फैमिली से, सॉलिड फैमिली, पढ़ी लिखी है और तुम्हारे साथ अच्छी लगेगी। तुम लोग पार्टीज में जाओगे तो लोग कहेंगे बड़ा कपल। और ये जुगनू ब्लडी मासी, मैं ऐसी लड़की को तो अपने घर में नौकरानी ना रखूं। नहीं, कहां रखते हैं आप? कैसी औरत है ये, अपने शौहर को छोड़ के तुमसे शादी कर ली, कल को कोई और मिल जाएगा तो उसके साथ? नहीं, बड़ी अजीब बातें कर रही है। अजीब बात नहीं है, पहली दफा सुनी है इसलिए अजीब लग रही है। भाई जब सब कुछ मेरा मेरे शौहर का है तो भाई हर चीज मेरे शौहर की मेरी हुई, क्यों खाला जहांगीर? है कि नहीं है? हाँ हाँ है तो ऐसा ही। देखा तूने? तुम बड़ी हाँ में हाँ मिला रही थी जुगनू की। हेलो, तो और क्या करती? अरे बच्ची है, कभी कभार जाने भी दिया कर। बच्ची है, सिद्धांत छुड़ाओ, उसको छोड़ दो। बिल्कुल बाबा साहब, एब्सोल्युटली, आप मेरा बिल्कुल यही इरादा है। अब मेरा सारा फोकस जो है वो पढ़ाई की तरफ रहेगा। मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? पढ़ाई करने। और ऐसी हरकत के बाद तो शी वोंट डेयर के वो कभी यहाँ वापस आए। पापा साहब, दैट्स माय बॉय, मैं यही सुनना चाहता था। दैट्स माय बॉय, तुम अपना सारा फोकस पढ़ाई की तरफ रखो। बिल्कुल बाबा साहब, फोकस। तुम्हारे इम्तिहानों के बाद हम तुम दोनों की शादी कर देंगे, तुम्हारी और गजाला की। इट बी अ ग्रैंड वेडिंग, सारा शहर देखेगा। ओके बेटा, आई हैव टू गो, टेक केयर। जी हाँ। ब्लडी मासी, हम लोगों ने भी जवानी में गलतियां की हैं, लेकिन तुम्हें अपना स्टैंडर्ड जरा इंप्रूव करने की जरूरत। हाँ, स्टैंडर्ड। बाबा साहब ने मेरी शादी, मेरी मंगनी करा दी है। क्यों? इतना डिस्टर्ब ना हो, इस तरह की मंगनी नहीं है वो। अरे मंगनी तो मंगनी होती है ना, इस तरह की हो या उस तरह की, मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ बख्शी जी को, खाला जहांगीर को, और तुम मंगनी करते फिर रहे हो। गुलाबदान नीचे रख दो, लोग देख। अरे देखते तो देखते रहे, मंगनी की है तुमने? अम्मा। हाँ, अरे अम्मा तुम क्यों बर्तन धो रही हो? अरे है जुगनू, तो और कौन धोएगा पहला? और कौन धोएगा की क्या बात है भाई, मैं खाला जहांगीर को पैसे देकर तो गई थी कि मुलाजमा रखवा लें। उनको तो बेटे भी हर महीने पैसे बराबर भेजते, मगर उनका तो दिल है कि बस भरता ही नहीं। अरे दिल भरने वाली क्या बात है, आप उनके बाप की नौकर थोड़ी है जो हर वक्त किचन में लगी रहे। अभी खाला जहांगीर से पूछती हूँ मैं, जा। अरे इस लड़की का तो बस।
अरे खाला जहांगीर कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? नहीं कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है तुमको? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने पूछा अमरूद वगैरह खाने का दिल चाह रहे, ला दूं बाग से तोड़ के। दिमाग चल गया क्या? अरे मुंह में पान है मेरे, तू अमरूद की बात कर रही है? खाला जहांगीर एक बात तो बता, ये जो मेरी अम्मी है तुम्हारी सगी बहन है या नानी किसी नौकरानी की बच्ची को पकड़ के ले आई थी? अरे लड़की ये क्या वाई तबाही बक रही है? अरे तेरी अम्मा मेरी मुलाजमा क्यों होने लगी? तो फिर सारे घर का काम क्यों उससे करवाती हो बिल्कुल नौकरानियों की तरह? झाड़ू पोछा बर्तन की धुलाई सारे घर की सफाई धुलाई है। अच्छा तो यूं कहो, अरे ये बुरा लग गया तुम्हें? ये कौन से काम है बीबी, घर में हर औरत ये काम करती है? अरे वैसे तो हमारा घर हमारा घर, अब जब काम की बात आई तो मेरा घर। अरे बख्शी जी आप भी किसकी बात का बुरा मना गए, उसके मिजाज का पता नहीं आपको? अरे वो तो मुझ पे भी चाकू लेकर खड़ी हो गई थी। किसी का लिहाज का है छोटे साहब उसे? नहीं आपका लिहाज खैर वो करती, अगर लिहाज ना करती तो पता नहीं क्या हशर होता। लेकिन छोटे साहब वो गई कहाँ? जाने दे बख्शी साहब, जहां भी गई अच्छा हो गया चली गई ना, आप भूल जाए। अब जैसा सब चल रहा था वैसे ही चलेगा, जैसा हो रहा था वैसे ही होगा, और बाबा साहब को किसी बात का पता नहीं लगेगा। बिल्कुल आपका गुलाम ताबेदार। शुक्रिया बख्शी साहब। बख्शी की जेब में पैसा तो रुक सकता है मगर पेट में बात। आई बीबी मैं ही बोली, मैं ही झूठी, मैं ही चोर, आई खाक डालो मेरे सर पे तुम तो। अरे जाने दो खाला जहांगीर, खुद क्यों नहीं कर लेती इस घर का काम, और वो खाला किशो जो आए दिन का बिन बुनाए का मेहमान है उससे क्यों नहीं करवाती? मेरी अम्मा ही क्यों करती है? अरे तो ना करें तुम्हारी अम्मा। अरे शाहजहान अरे सुनती हो? अरे बीबी हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, आइंदा इस घर में किसी चीज को हाथ मत लगाना। क्यों नहीं हाथ लगाएंगी? बिल्कुल हाथ लगाएंगी, लेकिन इस घर का काम नहीं करेंगी। लो ये अच्छी धौंस है। धौंस है या जो भी, लेकिन कान खोल के सुन लो खाला जहांगीर, अगर मुलाजमा की तनख्वाह तुम नहीं दे सकती तो मैं खुद दे दूंगी। हाँ मैं दे दूंगी खुद। अरे बड़ी आई धन्ना सेठ की कुछ लगती। जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। चल यहाँ से कमबख्त, हर बात में बोलती है बड़ों के मामले में। अरे मेरी बहन है मैं जानू वो जाने, कमबख्त को क्या आग लग रही है? खाला ने बहुत सुनाई है मुझे, अब तुम मत सुनाना जा रही हूँ। मैं ससुराल जा रही हूँ और अम्मा तुम भी सुधर जाओ, इन पागलों के दरमियान भी ना मैं भी पागल हो जाऊँ। अरे अल्लाह। ऑल सेट हाई फाइव। तुम्हें पता है खाला जहांगीर को मैं फुल सेट कर आई हूँ। मैं यार बेहतरीन काम हो गया, इसी खुशी में कहीं बाहर खाना खाएं? हाँ चलते, लेकिन कहाँ जाएंगे? तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ मुझे नहीं पता, तुम बताओ अच्छी सी जगह। चलो निकलते कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है मैं अच्छा से रेडी हूँ, क्या आती हूँ? क्या जरूरत, अच्छी लग रही है। नहीं ना है? ये जुगनू थी? कहाँ जाना है बाजी? हाँ कहाँ जाना है? हाँ भैया लांडी जाना है। बैठे जमाना ही हद छोड़ और चलाक औरत का है, एक हम ही पागल थे। अरे तुम तो चलो भैया। आ जाए जरा, मार मार के भरता ना बना दिया तो रफीक नाम नहीं।
आ गई नवाबजादी, खुद तो भोली नीसनी बन के चली गई अपनी बहनों के पास। रफीक आपने खुद ही तो कहा था। तो मुझे पटा लिया था ना, लुभा लिया था मजलूम बन के, भोली बन के। ये न सोचा कि दिन भर गधे की तरह कमा के घर आएगा तो खाएगा क्या, घास? नहीं नहीं, गधे को भी घास मिल जाती है खाने को, मगर हमें तो वो भी नसीब ना हुई। लाई हूँ लाई हूँ लाई हूँ, मालूम है आपा शाहजहां ने जो कुछ पकाया साथ में बांध के दे दिया। अपनी बहनों के सामने तो बड़ी मजलूम बनी होगी कि हाय जालिम शोहर है, अजाब है, भूखा बदजात, घर आके खाना मांगता है, खाना मांगता है। और अगर घर आके खाना मांगता है तो जालिम है, जालिम है तो जालिम का खाना लाओ लाओ। अरे अरे रफीक, ऐसा तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो कह दो हसरत है ना, तो कह दो, बल्कि अखबार में इश्तिहार छपवा दो कि मेरा शोहर जालिम है, घर का सुख मांगता है, जालिम है, चाहता है कि मैं बीवी की तरह घर में रहूं, जालिम है, जुलूस निकालो मेरे खिलाफ, जलसे कराओ, झंडा लेके निकलो। अच्छा थोड़ी देर रुक जाए, बस मैं अभी अभी गरम गरम रोटी पका के लाती हूँ। अब क्या खाक धूल पकाओगी? अच्छा आप हाथ तो धो लेना, मैं बस दो मिनट में आई। हाथ तो मैं धो बेटा, लाई क्या हो? आपकी पसंद की लौकी की भुजिया। लौकी की भुजिया, चलो अंदर। बख्शी जी को तो कंट्रोल कर लिया, अब आगे क्या करना है? आगे मजे करेंगे और क्या। कब तक यार, बाबा साहब ने मेरी शादी, मतलब मेरी मंगनी करा दी है। क्यों? इतना डिस्टर्ब ना हो, इस तरह की मंगनी नहीं है वो। अरे मंगनी तो मंगनी होती है ना, इस तरह की हो या उस तरह की, मेरा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ बख्शी जी को, खाला जांगी को, तुम मंगनी करते फिर रहे हो। गुलाबदान नीचे रख दो, लोग देख। अरे देखते है तो देखते रहे, मंगनी की है तुमने? मैंने नहीं की, बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने इस उम्र में मंगनी की है? बाबा साहब ने मेरी मंगनी की है खजाला से, जो की मेरी भाभी की बहन है, और ये सब उन्हीं दिनों में हुआ जिन दिनों में हमारी शादी हो रही थी। और वो कड़े भी जो हम बेच रहे थे वो गजाला के थे। हाँ भाई शाहजहां, क्या खबरें हैं तुम्हारी बच्चे की? हवाई हुक्का बनी कहाँ कहाँ फिर रही है? कैसे अपने शोहर के पास है भाई? कल तो जो तेवर थे उससे तो लग रहा था कि शायरान के पास है। अब कहाँ सल्तनत पड़ी है उनकी, उजड़ गए बेचारे हमारी तरह। हाँ भाई, मलका सुरैया की और तुम्हारी आप बीती कुछ एक ही जैसी है, और अपनी जुगनू कहीं राज रज रही है। आए, 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 राज तो रज रही है। शो अरे क्या हो गया? अरे होना हुआ ना क्या है, खैर से पिट के आ रही है फिर से? अरे हाँ, जालिम ने बहुत मारा जालिम ने। अरे आपा आपा, तुमने जो लौकी की भुजिया दी थी ना, बस उसी को देख के इस कदर गुस्सा आया रफीक को, इस कदर गुस्सा आया कि क्या बताओ। अरे ना बताओ ना बताओ, मगर ये बताओ कि उस नामुराद ने यहाँ क्या मारा? आए आपा चाचा, क्या कर दिया तुमने? वो टिफिन तो खींच के मार डाला जिसमें लौकी की भुजिया दी थी। अरे ये क्या, कहाँ जा रही हो? गायब होने। गायब क्यों, कहाँ? देखिए जुल्फी साहब, ये जो मुंशी जी है ना, वो आराम से बैठने वाले नहीं है, मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। उनकी इतनी जुरत, मुंशी जी। चुप 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 चुप, को क्यों बुला रहे हो? चुप करो, मेरी बात सुनो। देखो पापा जान जरूर तुम्हारी निगरानी करवा रहे होंगे, मुंशी जी पे एतबार नहीं कर सकते ना। वो एतबार के काबिल है भी नहीं। हाँ तो बस मैंने यही सोचा है, अपना सारा सामान बांध के पीछे वाले बॉक्स रूम में रख दूंगी, मुंशी जी के सामने झूठी मूठी लड़ाई करेंगे और मैं यहाँ से गायब, लेकिन रहूंगी यहीं पे, मुंशी जी को पता नहीं चलेगा। वाओ स्ट्रेंज है ना, स्ट्रेंज। ए लो बीबी,
आई लौकी ना हुई कमबख्त जहर हो गई। आई दो मरतबा जता चुकी हो भाई, जो कुछ घर में पक्का था वही साथ कर दिया, अब क्या तुम्हारे लिए खास तौर से कौरमे भुने जाते। भाई ये अपनी शाहजहां तो औरा से तोरा हो गई जब से बेटी वडेरे के साथ भागी है। आए, 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 मुझे कुछ याद आ रहा है। आए वो अपनी जुगनू को देखा है, कहा आए, इस कदर आलीशान गाड़ी में जा रही थी और साथ में इस कदर हसीन इंसान बैठा हुआ था कि क्या बताऊं। आज मोटर में देखा है, कल रिक्शा में देखोगी, परसों यहाँ होंगी हमारे सीने पे मूंग दलने। अरे क्या बताऊं, किस कदर दर्द हो रहा है आपा जान। ये तुम्हारे मियाँ के नखरे भी बहुत हैं। लौकी ना हुई मुसीबत हो गई। तो फिर हमारे पास बस यही रास्ता है। ठीक है, देता ली। कौन सा रास्ता? अरे जो इतनी देर से बोल रही थी वो रास्ता। अच्छा अच्छा वो रास्ता। डाने डाने। जाओ। उड़ा उड़ा। हाँ तो बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना इस घर में अब। हाँ हाँ सही है, तुम दफान हो जाओ। बहुत हो गया और बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें, इस घर में अब एक मिनट नहीं टिकने वाली मैं। मैंने भी नहीं टिकाना तुम्हें, टिकनी ना हो तो। आप कह रहे हैं तो आपकी खुशी के लिए। और हाँ बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बाबा साहब को मत बताइएगा यहाँ जो कुछ भी हुआ, उन्हें बुरा लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया। बख्शी साहब। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे झूठे वडेरे, चूहे जितना तो दिल है तुम्हारा। जुगनू तमीज से बात करो। क्यों तमीज से बात करूं मैं? क्यों डरते हो बाबा जान से इतना? भूत है क्या वो? तमीज से बात करो जुगनू। तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, लगा हुआ कुछ और को, मेरी अम्मी के बारे में कुछ को। अच्छा हाँ हाँ, माँ तुम्हारी माँ जिन्नी है तुम्हारी माँ, अगर बाप मेरा जिन है तो। वो चुड़ैल होता है, जिन्नी नहीं होता। तुमने मेरी अम्मी को चुड़ैल कहा, तुम्हारी ये हिम्मत। हाँ तो है तुम्हारी माँ चुड़ैल, और तुम तो। मैं क्या हूँ, मैं बताती हूँ मैं क्या हूँ। बख्शी साहब सुन रहे हैं आप, बदतमीज लड़की को ले जाए यहाँ से, पत्नी बाबा साहब के बारे में क्या क्या कह रही है। हाँ जिन कहा है मैंने उन्हें, और वो है ही भूतने, गरज सुतरे में सफेद बालों वाले भूतने साहब। रे, 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 लड़की किस तरह जबान चला रही है, सुना नहीं छोटे साहब ने क्या कहा? निकल ठगी बुढ़े, तू मुझे निकालेगा भूतने साहब के गुलाम? जुगनू बस बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से और आइंदा नजर मत आना मुझे। मुझे ऐसे कह रहे हो अपनी जुगनू को? हाँ तो और नहीं तो क्या, क्या क्या गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तुमने बाबा साहब के लिए, बस चली जाओ यहाँ से। हाँ तो फिर हो गया फैसला, जा रही हूँ मैं यहाँ से और खड़ी और पलट के वापस नहीं आऊंगी। बहुत अच्छी बात है, मत आना। समझते हैं खुद को, जान छूटेगी मेरी। छोटे साहब बहुत अच्छा किया आपने, फिक्र नहीं करें आप, हम कम जा पा इसको और इसके इस बैग को इससे बाहर फेंक के आ गए। जुगनू गजाला, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ढूंढ कर आई हूँ। मैं बस देख रही थी कि कितनी उदासी है इस दुनिया में। मुझे तो वो वाला पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर बादल भी बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने छतरी खोली हुई हो। पापा सुल्फी कहा गया है और मेरी कंगन, मामा पूछेगी तो मैं क्या कहूंगी? जुल्फी, जुल्फी कराची गया है। कराची गया है क्यों? वो उसकी यूनिवर्सिटी से फोन आया था, उन्होंने बुलाया है। आपा बताए मुझे क्यों गया कराची? अज़ाला मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ, सच ये कि जुल्फी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। ओ तो ये बात है। नहीं, बात सुनो मेरी, ऐसी बात नहीं है,
छोटा है, लाडला है, थोड़ा स्पॉइल्ड है, उसको कुछ समझ नहीं आता है वो क्या कर रहा है। अजीब सी हरकत की, तुम्हारे कड़े ले लिए, ज्वेलर को दे दिए और फिर कराची चला गया। ग्रांपा, सुल्फी ऐसा तो नहीं है। कसाला, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज तुम अपने दिमाग पे ऐसी बातों का बोझ मत डालो। इधर देखो, इतनी खूबसूरत जगह है, घूमो फिरो, एंजॉय योरसेल्फ। एंड लिसन, छुट्टियां खत्म होते ही हम लोग भी वापस चलेंगे, ठीक है? अरे हाँ, बाबा जान के कहने पे मैंने ज्वेलर से कड़े वापस मंगवा लिए हैं। Really? मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक? छोटे साहब, खाना लगवा दूं? नहीं बख्शी जी, मुझे भूख नहीं है। मेरी माने तो छोटे साहब वो कमबख्त का खाता बंद ही कर दें। कल मुई बख्शी का बड़ा तजुर्बा ऐसी लड़कियों के लिए, एक मर्द के साथ नहीं जिंदगी गुजारती है, बस लूटने के लिए आती हैं। जितना लूटना था लूट के चली गई, अब तो उसने अपनी जात दिखानी थी ना आपको। जी बख्शी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसने बाबा साहब को बुरा भला कहा। मुझे कह लेती तो खैर थी। लो भला, आपको भी कैसी कहती? ऐसी कोई बीवियां शौहरों के आगे जबान चलाते हैं जैसे वो कल मुई चला रही थी। मैं वैसे भी पढ़ाई में दिल लगाना चाह रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। बड़े साहब ने आपको भेजा इसलिए था कि आप दिल लगा के यहाँ पढ़ें। अब आप दिन रात पढ़ाई में दिल लगाएं और आपका खादिम बख्शी आपकी खिदमत में लगा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। तौबा, छोटे साहब क्यों शुक्रिया बोल के गुनाहगार कर रहे? नस्लों से आपके गुलाम है बख्शी, तावेदार आपका। हाँ बख्शी जी, लेकिन मुझे एक चीज का और भी दुख है। आप मेरी वजह से इतने दिनों से छुट्टियों पे नहीं जा सके। ना करें साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बख्शी आखिरी सांस तक आपके लिए ताबेदार। आप एक काम कीजिए, ये कुछ थोड़े से पैसे हैं किराए वगैरह के लिए रख लें, और आप गांव हो आए तकरीबन 10-15 दिन के लिए। नहीं नहीं छोटे साहब, शर्मिंदा ना करें। अच्छा, आप कह रहे हैं तो आपकी खुशी के लिए। और हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बाबा साहब को मत बताइएगा यहाँ जो कुछ भी हुआ, उन्हें बुरा लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया। अरे छोटे साहब, आप बख्शी के होते हुए तो बिल्कुल फिक्र ना करें। यूं समझे ऊपर वाले ने ये मूछे नहीं दी बख्शी के मुंह पे, ताले दिए हैं वो भी आपके लिए। तो मैं फिर जाइए। खुश रहे। ये दिन भी देखना था, अपने ही घर में छुपना पड़ रहा है सिर्फ उस ठरकी बुढ़े की वजह से। की बुट्टा हमारी जिंदगी से जाए ताकि हमारी जान छुप जाए। मुंशी जी बिना बख्शी साहब, लड़ी मासी।